हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे स्टोरी। संघर्ष क्यों जरूरी है? यह कहानी बहुत छोटी है, पर जो यह समझाना चाहती है उसके लिए यह काफ़ी है। शहर से दूर एक छोटे गांव में एक आदमी रहता था, जो कि अपनी ज़िंदगी खुशी से काट रहा था। उसका घर चारों तरफ फूलों और पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां अंगिनत तितलियां फूलों से रस पीती थी, और यहां रहना उस आदमी को काफ़ी अच्छा लगता था। यहाँ सुख था, शांति थी और प्रकृति भी। एक दिन अपने बगीचे में बैठे हुए उसको अपने पास पड़े पेड़ की टहनी पे एक ककून दिखाई दिया। उसने आज तक अनगिनत तितलियों को देखा था, पर कभी भी एक तितली को पैदा होते हुए नहीं देखा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। अब वह हर दिन आकर घंटों ककून को देखता और बेसब्री से बड़बड़ाता कि यह कब बाहर आएगी। एक दिन ऐसे ही देखते देखते उसने पाया कि ककून थोड़ा सा खुल रहा है। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ना रहा। वह फिर शांति से उसे देखने लगा। वह कई घंटों से उसे देखता रहा, पर मानो जैसे ककून के लिए समय रुक सा गया हो। ककून में कोई और हलचल ना पाने पर वह आदमी थोड़ा अशांत हो गया। वह तितली का संघर्ष देख रहा था, कैसे उसके इतने प्रयास करने के बाद भी वह इस ककून से बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर कुछ समय बाद उसकी अशांति बेसब्री में बदल गई। अब वह तितली को जल्द से जल्द बाहर उड़ता देखना चाहता था। अब उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने सोचा कि यह तितली कितने कष्ट में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, वह उठा और तुरंत भाग कर घर से एक कैंची ले आया और बड़ी सावधानी से ककून को काट दिया। अब तितली आसानी से निकल तो गई। आदमी थोड़ा सा मुस्कराया, पर फिर उसने गौर से देखा कि तितली का शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सिकड़े हुए हैं और वह घिसट घिसट कर चल रही है। आदमी ने यह अंजाम नहीं सोचा था। उसे लगा कि उसने तो मदद करी है, पर यहाँ तो तितली पूरे ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो गई। आदमी की नीयत अच्छी थी, पर वह यह नहीं समझ पाया कि छोटे ककून का संघर्ष तितली को सही प्रकार से ज़िंदगी में आने के लिए प्रकृति द्वारा बनाया गया है। अपने कदम पर छोटे ठोस ककून से बाहर आने पर तितली सेहतमंद होती और उससे उड़ने का प्रयास करती। प्रकृति के नियमों में बाधा डालकर अनजाने में आदमी ने उसकी मदद की जगह नुकसान कर दिया। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जीवन में हमारा संघर्ष ही हमारी ताकत बनता है। संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें मजबूत बनाता है। इसके बिना हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम खुद चुनौती और समस्या का सामना करें और कभी दूसरों की मदद पर निर्भर ना रहें। इतना संयम बनाए रखने के लिए शुक्रिया। मैं विक्रम सिंह बहुत जल्द मिलता हूँ अगली कहानी में।